बिना वर्ड्रिस इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक। इसमें किसमें प्लांट और एनिमल का कहते हैं, प्लांट और एनिमल का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, जो फोटो ऑटोट्रॉफ होता है न्यूट्रेशन में, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है थोड़ा न्यूट्रेशन। इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉफिक के भी टाइप होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, ये प्रजनन साधन सनलाइट में फूड बनाता है, ठीक है। और इसीलिए फंजा मोने प्रोटिस्टा का है, इसमें रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया, उसके बाद प्लांटी आ गया था, ठीक है। देखिए यानी आप इनके एक दूसरे से क्या है, सब रिलेटेड, यानी ये फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक ट्री लाइफ या ट्री लाइफ इवोल्यूशन कह सकते हो आप। जैसे एक प्लांट होता है, प्लांट का ये रूट है, उसके बाद ये स्टेम हो गया, फिर इसमें क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, ठीक है। और आर्टिफिशियल क्या होता है, देखो इसी तरह एक और उन्होंने किया था इवोल्यूशनरी के ही बेटा, कार्ल हूज ने 1990 में दिया था। उन्होंने क्या दिया था, कार्ल हूज साहब ने, उन्होंने दिया था, कार्ल हूज ने 3D करके दिया था, 3D, ठीक है, क्या करके दिया था कि 3D में उन्होंने कहा था बैक्टीरिया और आर्किया और यूकेरिया, ठीक है। किसने दिया था इसको, कार्ल हूज ने दिया था, फिर उन्होंने कहा था, और यही बैक्टीरिया किससे दिया था, मोनेरा से दिया था, ठीक है, मोनेरा को काटा था उन्होंने, मोनेरा को तो किंगडम में काट दिया था, ठीक है। आर्किया ने आर्की बैक्टीरिया और यूकेरिया में सब थोड़ा, ठीक है, देखिए यानी आर्किया बैक्टीरिया में बैक्टीरिया थे, इसमें आर्किया थे, देखिए यानी प्रिमिटिव हो जाती है। फाइलोजेनेटिक ट्री यहाँ से समझ लो आप, ऐसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जैसे यहाँ किंगडम हो गया, ठीक है, याद समझिएगा, एक किंगडम हो गया। अब इसी किंगडम से निकला है क्या, किंगडम में अब आपका किंगडम किंगडम एनिमेरिया और प्लांट क्या, तो हम आप लेते हैं बात करते हैं एनिमेरिया, ठीक है, एनिमेरिया। अब एनिमेरिया में फिर यहाँ एनिमेरिया से आकर के फिर इससे निकल गया किंगडम एनिमेरिया, फिर प्लांटी यानी प्लांटे, ठीक है, फंजाई, जो भी इसके नियरेस्ट फंजाई आपका था, उसके बाद क्या था, प्रोटिस्टा मोनेरा, यानी सबसे पहले आपका मोनेरा, और यहाँ से हमने इसको हम इसलिए क्यों लेते हैं कि हमने सबसे पहले, हम लोग पहले मोनेरा के बारे में कुछ नहीं जानते, सबसे पहले हम लोगों ने एनिमेरिया के बारे में जाना, प्लांटी के बारे में जाना, तब किसके बारे में जाना, तब मोनेरा के प्रोटिस्टा के बारे में जाना। थ्री किंगडम में ही पढ़े हो आप लोग, तीन जगत पढ़े हो, तीन जगत का कौन कौन सा आता है आपको, जगत प्लांटी, जगत प्रोटिस्टा, जगत एनिमेरिया, ये तीन जगत था। इसको अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था, कब दिया था, 1866 दिया। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन समझ में आया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी ये ट्री लाइफ एलिमेंट होता है बेटा। मैंने आपको बताया था ना, जैसे टैक्सोनॉमी यानी टैक्सा, ईच टैक्सा में हर एक टक्सा टैक्सोनॉमी करते हैं, उसके बाद में वही क्लासिफिकेशन बन जाता है। और इवोल्यूशनरी है यानी चेंजिंग है, इवोल्यूशनरी देखिए ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग पर क्या हो गया, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ
किंगडम का ग्रुप यानी समूह जो होगा, ठीक है, एक ग्रुप में जब आर किंगडम होगा बेस ऑन थियरी वाली कुछ नहीं, यानी उसके इवोल्यूशन को माने थे हिस्ट्री यानी उसका जो इतिहास था पहले का, ठीक है, यानी पहले का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी तो आप उसमें तो देखा ही था कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी यही रहेगा, यही तो हिस्ट्री है इनकी, तो एक फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हो गया यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसका हो। और कोई क्वेश्चन देख लो अगर फंस रहा हो, फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है
वेरिएशन यानी जैव विविधता कहते हैं इसकी। जैव विविधता यानी जीवों में भिन्नता, ठीक है, जैव विविधता यानी जीवों में भिन्नता। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन आप लोग भी देख लो, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए सबका, क्योंकि आप लोगों का जैसे कुछ चैप्टर होगा वैसे मैं टेस्ट भी मैं क्वेश्चन जैसे
खानदान किंग कोबरा जो होता है कोबरा से ज्यादा डेंजरस है। क्या एक कोबरा है किंग कोबरा और हाँ राइट का है रेटस रेटस ठीक है है ना।
एक आप थर्टिकोला हेपेटिका का नाम सुना हो? थर्टिकोला हेपेटिका और ठीक है आपने नहीं होगा
सकता है सेकेंडरी के लिए। सेक्सक्रोमोसोम आज इसको एलोसोम भी कहते हैं, एलोसोम बच्चे पढ़े नहीं होंगे कहीं। यानी ये क्या होते हैं, जो जेनाइटल आर्गन जेनाइटल सेल को बनाते हैं इसको, यानी ये क्रोमोसोम जेनाइटल वाले सेल में पाए जाते हैं। अगर यही क्रोमोसोम अब आगे होते, अब क्रोमोसोम में अब आपने सुना है कि कुछ डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, कुछ टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं, कुछ वाइनफिटर हो जाते हैं ना, यानी जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यानी जब उसी के क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, जब गायब हो जाते हैं, जैसे 23 पेयर होते हैं, 46 अनपेयर्ड होते हैं, तो जैसे डाउन सिंड्रोम को हमने ले लिया, तो एक जो होता है जो लास्ट का पेयर होता है, यानी 45 और 46 अनपेयर में जो होता है उसमें क्या होता है, एक होता है XX मेल में होता है, XY फीमेल में क्या होता है, XX हो जाता है। तो वही ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे एक पेयर में, ऐसे 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 सबके पड़े रहेंगे। लेकिन 21वां जोड़ी जो वाली जो मेल फीमेल का 23वां होता है बेटा, वो XX हो जाता है, और मेल का क्या रहता है, XY रहता है। जब XX फ्यूज कर जाता है तो गर्ल बेबी गर्ल हो जाती है, और जब XY होगा तो बेबी बॉय हो जाते हैं। ध्यान सुनिए, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वही तो बताया हूँ जवाब दे सकते। यानी इसका मतलब यह है कि जिस शिशु को जो बनाना था, बहुत सही क्वेश्चन क्वेश्चन, यानी आपने पूछा लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया, जिस ऑर्गन को जो जैसे जिस सेल को बेटा जो टिश्यू बनानी है वो टिश्यू ना बने, वही लैक हो जाएगा ऑर्गेनिज्म में। जब ऑर्गेनिज्म में उस टिश्यू की कमी हो जाएगी तो उसका ऑर्गन नहीं डेवलप होगा, बस यही है। और जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया कि हमारे हार्ट के सेल अगर नहीं बने हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में हार्ट का ऑर्गन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सेल पहले टिश्यू सेल ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाएगा, टिश्यू जाके ऑर्गन बनाएगा। समझ में आया, बस वही जैसे अगर किसी आदमी को लगाने को समझ लो, जैसे मैंने आपसे कहा किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे यहाँ मैंने कहा आपसे, अभी मैं एक डिजीज बता रहा हूँ डाउन सिंड्रोम बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, 51 ट्राइसोमी हो जाता है, यानी एक अक्ष क्या हो जाता है, पड़ जाता है, तो वहाँ वो डिजीज हो जाती है, यानी अबनॉर्मलिटी आ जाती है, अनियमितता जिसको कहते हैं, तब वहाँ क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जिस ऑर्गन को जो बनाना था, जो जिस सेल को जो टिश्यू बनानी थी, जब वो टिशू ही नहीं बना पाएगी, तो जब वो टिशू नहीं बनेगा तो वो ऑर्गन कैसे बनेगी, तो जब वो ऑर्गन नहीं बनेगी तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, तो इससे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी वो जी नहीं पाएगा। और इससे आप कभी कभी और देखिए, जैसे कुछ आपके बॉडी में जैसे कई ऑर्गन हैं, जैसे आपकी किडनी, अगर एक किडनी आप निकालो तब भी एक पेयर का कुछ ऑर्गन रहते हैं, जैसे आप निकाल ब्लैडर उसको निकाल दो तब भी आप कह सकते हो, तो उनका बहुत उतना स्पेसिफिक सर्वाइव के लिए नहीं रोल होता है। ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं के लिए देते हैं, जैसे उसमें जो प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, डाइजेशन आप देखते होंगे जिसका लाल ब्लैडर निकल जाता है उसको स्पाइसी फूड नहीं ले पाएंगे, यानी मसालेदार भोजन नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन नहीं होगा सही। लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन ना समझ में आओ तो उससे बताऊँ, एग्जाम्पल बताएं इसके जो हैं आपके प्लेटी हेलमेंट्रीज में आप देखो, या ये किसी ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हो, जो लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ सकता, अगर उनका टिश्यू बन गया, जैसे उनके सेल अगर उसको नहीं बनाएंगे बेटा, ये वन टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है। ऐसा थोड़ी ना मोनेरा में आ जाएगा, मोनेरा में जब सेलुलर लेवल पे है तो उसमें कहाँ से आ जाएगा भाई,
और किसका सिलेक्ट लेते हैं तो उसमें कहाँ से आता है, जब उसका सिलेक्ट उसका काम है। और यूनिसोलर में कहा है कि उसका कैसे फिर मल्टी सोलर के ऑर्गेनिज्म में आकर करेगा और उस पर करेगा जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिशू लेवल पे होगी, क्या होगी टिशू लेवल पे होगी, क्या हो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होता है, ये लैक ऑफ डिफरेंशिएशन उसमें नहीं होता है। लैक ऑफ टिश्यू आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसे एनिमल जिनका बॉडी जो होता है जिसको चार सेल बना होता है और उनके प्रत्येक सेल अलग अलग फंक्शन का करते हैं, जो भी बता रहे हो लूज लूज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, वो आप उसे आप उसको पाएंगे लूज टिशू, जब आप पाएंगे टिशू लेवल में मैंने आपको फंजाई में बताया था, यानी उसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते हैं। और जब सेल वन आर मोर यानी एक करोड़ से अधिक हो जाएंगे, यानी जब तो फिलियोमॉर्फिक नेचर दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, फिलियोमॉर्फिक नेचर दूसरा नेचर हो जाएगा, यानी आप जब इसमें दो से अधिक देख लेंगे, जैसे आपने कहा कि जिसमें दो चार सेल हैं ठीक है वो आपस में जुड़े नहीं हैं, जुड़े रहेंगे लूज रहेंगे, वो आपस में लूज रहेंगे, जैसे दो चार सेल हैं ये आपस में लूज हैं, ये आपस में एक दूसरे से उस तरह ग्रुपिंग आपकी नहीं बनाया है। आप पहले एक बार एनसीईआरटी को खोलो और देखो उसमें फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, या तो ऑब्सेंट है या तो लैक ऑफ टिशू होगा, या तो होगा तो लूज होगा, मैंने बताया था या तो टिशू होगी या तो लूज टिशू होगी, जब आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया नहीं पढ़े थे एनसीईआरटी में, आप लोग एनसीईआरटी खोलो उसमें जब आप बॉडी आरएस लेकर पहले देखो आप सॉरी हाँ दो किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले देखो ऊपर, तो उसमें जब आप देखोगे तीसरा स्टेप है सेलुलर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा सेलुलर, मोनेरा सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, और फंजाई क्या है टिशू लेवल है या लूज, उसमें लिखा है टिशू लूज कनेक्ट लूज है ना दूसरे लूज दिया सेल, या तो क्या होगी लाइटनेस होगी टिशू, या तो अगर टिशू बनेगा तो लूज होगा, यानी कि अभी जैसे भाई मैंने मोनेरा प्रोटिस्टा में पाया जाता है, वो आपके रिवॉल्यूशन है मोनेरा प्रोटिस्टा से, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा आपका जो है आप पता नहीं किस बुक में पढ़ लिए हो, फिर से देखो मैं बहुत आपकी रिलेशन कंफ्यूज हो जाएगा, अभी तो आप कह रहे हो चलो ठीक है एक बार फिर से देख लो। मोनेरा क्या होगा, मोनेरा आपका प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ठीक है, ठीक है आप लोग जब तक इवोल्यूशन नहीं समझेंगे बेटा कुछ नहीं समझ पाएंगे, मैंने सीखेगा ना इवोल्यूशन समझना, इवोल्यूशन मतलब ही होगी दिन प्रतिदिन कोई ना कोई परिवर्तन होता रहे होते हैं, कोई ना कोई परिवर्तन उसमें चलता रहे हमेशा, अभी देखिएगा फिर से एक बात समझो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ठीक है, यानी इसमें क्या है इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, तो आप इसकी बात कर रहे हैं देखिए ध्यान से, यानी इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ठीक है बैक्टीरिया जो हैं इसमें मोस्टली एक्सट्रीम बैक्टीरिया आते हैं ठीक है, वो भी एक्सट्रीम बैक्टीरिया आते हैं ठीक है, यानी लविंग टू स्ट्रीम यानी खतरे से यानी हाई लेवल पे इनोवेशन चाहिए, अभी इसके टाइप आज में देखिएगा, यानी इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे, यानी ये क्या बनेंगे सेल बनेंगे, और यूनिसेलुलर होगा यानी एक कोशिका से ही होगा, एक ही कोशिका पूरा काम करेगी ठीक है, जो भी करना है न्यूट्रेशन आप जानते हैं यही काम बड़े, फिर इसके बाद बेटा अब यही जो प्रोकैरियोटिक था ध्यान से सुनिएगा, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो माने प्रिमेटिव पुराना कैरियोटिक है ना, कैरियोट्स माने न्यूक्लियस, कैरियोट्स यानी जैसे आपने कहा ना कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस होता ठीक है, यानी न्यूक्लियस यानी इसमें न्यूक्लियस क्या होंगे अनडेवलप होंगे या लेस डेवलप क्या होंगे, फिर से सुनिए अनडेवलप होंगे या
अभी प्रोकैरियोटिक, अब इससे सब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हुए हैं जो धीरे धीरे मॉडरेट होते गए, यानी यानी क्या हुए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी तब धीरे धीरे यूकैरियोटिक पहले तो मीजो आया था, मीजो में उसमें कहीं है नहीं, मैं सीआरटी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक के बाद मीज़ोकैरियोटिक आया था, मीज़ोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक का आया था। अब यूकैरियोटिक आया कौन सा, यानी इससे इवोल्यूट हुए, इवोल्यूट मतलब चेंज हुए, परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, और कौन सा आया, यूकैरियोट्स, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या यूनी से उधर तुरंत मल्टी सेलुलर नहीं आ गया, तुरंत मल्टी सेलुलर नहीं आया, यूनी से उधर आ गया। और यूनी से उधर क्या होगा, यूकैरियोटिक यूनी से उधर किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में। अब देखिए, अब यही यूनी सेलुलर जो है ये मॉडरेट और आगे बढ़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एक कोशिकीय जो जीव था, ठीक है, एक कोशिकीय एक इसमें बनना था, यानी यूनी सेलुलर मतलब क्या हो गया, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ओनली वन सेल, यानी सिंगल सेल से बने। अब इसमें क्या हुआ यूनी सेलुलर से, अब आ गया आपका कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हुए जो यूकैरियोटिक तो है, यहां से समझिएगा, यूकैरियोट्स तो है, लेकिन ये जो यूनी सेलुलर था इसमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ कि इसके जो सेल्स थे वो लूज होते थे, इसे लूज हो गए, या तो कुछ में नहीं था, पहले नहीं था, तो जिसमें नहीं था वो लैक है, और जिसमें है वो लूज है, जिसमें नहीं है वो लैक हो जाएगा। भाई अगर मैंने कहा यू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल, या कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हम लोगों में कोई एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, वो एसेसरी माने तो आवश्यक कि अगर जो हम लोगों का पहले ऑर्गन है, जैसे आपने फ्रॉग को सुना होगा, फ्रॉग फ्रॉग रिस्पायरेशन किससे करते हैं, गिल्स, गिल्स से भी करते हैं और स्किन से भी करते हैं, और स्किन क्या है उनका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ध्यान से, जब पानी जब जमीन पे रहेंगे बेटा, पृथ्वी पे अर्थ पे रहेंगे तो गिल्स का यूज करेंगे, लेकिन कभी भी आपने गड्ढा होता खाना है घर में, कहीं नाले वाले के बगल जब गड्ढा खाना जाता है तो उसी से मेढक निकलते हैं, नीचे से मिट्टी से निकलते हैं ना, मिट्टी से मेढक, तो क्यों निकलते, तो वहाँ सांस कैसे लेते हैं, वहाँ तो उनका कुछ बात नहीं थी, क्रॉस क्वेश्चन, एक क्रॉस क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन से बात कराता, अगर आपने समझा होगा तो इवोल्यूशन बहुत अच्छा है, इवोल्यूशन के बिना आपको समझ नहीं पाओगे। हाँ सब लोग, अभी तक प्रोकैरियोटिक था, यूनी सेलुलर था, अब उसके बाद में सेलुलर लेवल, फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बदला, न्यूक्लियस बना यानी ऑर्गेनेल बने, सेल ऑर्गेनेल बना, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल हुआ, यानी सेल में अलग अलग ऑर्गेन का कंपार्टमेंट बना, ये प्रोकैरियोटिक है, सॉरी ये राइबोसोम का कमरा है, माइटोकांड्रिया का है, गॉल्जी अपैरेटस का जगह है, लाइसोसोम की जगह है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जैसे सबका जगह बना, फिर उसके बाद में सेलुलर थे, अब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म बदलते गए, यूनी सेलुलर से आपने सुना कि कुछ ऐसे हैं जिसमें यानी किस कमी है, कुछ दिखता था कि दो चार सेल आया लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाया, दो चार सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म में आया वो आपस में जुड़ नहीं पाया, ठीक है, तो जब नहीं जुड़ पाया तो उनमें टिशू नहीं बनी, और टिशू नहीं बनी तो लैक ऑफ टिशू हो गई, फिर जिनमें वो सेल आपस में जुड़ गए वो टिशू बन गए, तो उनमें टिशू प्रेजेंस हो गया, ठीक है, तो यानी अब आपको प्रोटिस्टा के तो यानी आपको हंजाई के पास जितने मिलेंगे सब में टिशू वेल डेवलप मिलेंगे, लैक किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सेल भी क्या बनाती है, टिशू बनाती है, और टिशू क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ यू का देखिए, और इनके आपस में लूज रह गए, और यहाँ जो रिचार्ज था तो इसलिए नहीं बनाया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वेल डेवलप नहीं होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी बोलिंग होती है, जैसे कनेक्टेड लिंक आपको बता दें, जैसे किंगडम पार्ट जो किंगडम मुनेरा है और प्रोटिस्टा है, वो दोनों कनेक्टेड लिंक है,
करेक्टिव लिंक है, इसके इसके फंजा इसके प्रोटिस्टा में जो बनते हैं जब आप देखेंगे, यानी कुछ कैरेक्टर इनके कुछ कैरेक्टर उनके, जैसे मैंने क्वेश्चन और बताया आपको, जैसे वायरस जो हो गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि बेटा उसके पास दोनों कैरेक्टर हैं, अगर वो होस्ट वाली नॉन लिविंग है, जैसे होस्ट वाली लिविंग पाया तो एक्टिव हो जाएगा, और जैसे मान लीजिए मैं किसी वायरस से अफेक्टेड हूँ, मैंने जस्ट को टच कर दिया, अगर से टच किया है वायरस उससे लगा हुआ, अब वायरस ही क्या है कम से कम 6 to 8 hours या ऐसे 3 to 8 hours तक ऐसे इसी पे क्या है इनएक्टिव पड़ा, क्या पड़ा है इनएक्टिव होकर के पड़ा है, यानी एक्टिव नहीं है, और जैसे आप इसको टच कर देंगे तुरंत वायरस आपके बॉडी पे आ गया, आप होस्ट हैं लिविंग है और आपके बॉडी पे आते ही क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, तो जैसे एक्टिव हो गया यानी उसके पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जैसे कैरेक्टर है ना, तो इसीलिए उसको कनेक्टिव लिंक कह दिया गया, जिसके पास दोनों जैसे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कनेक्टिव लिंक हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिस रेप्टिलियंस और बर्ड का कनेक्टिव लिंक है उसका, आर्कियोप्टेरिस है, यूलिना वेरेटिस है, यूलिना अभी मैंने आपको बताया कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच का, एनिमल एंड प्लांट के बीच का कनेक्टिव लिंक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बहुत सही था, नहीं दे सकता था कि किसी आर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब यहाँ जो उसके बाद देखेंगे कुछ आर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अब आपके फंजाई आ गए तो फंजाई में फिर आपने देखा फिर यहीं से फंजाई से लेकर के फंजाई भी प्लांट से अलग किया गया, किससे अलग किया गया है प्लांट से, और अलग क्यों किया गया क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रेशन देख करके अलग कर दिया गया, मोड़ा न्यूट्रेशन फंजाई का न्यूट्रेशन कैसा होता है सेप्रोफाइटिक यानी सेप्रोजोइक होता है, ठीक है, यानी दे फीड डियर फूड फ्रॉम डेडी के बॉडीज, अपना भोजन डेडी के बॉडीज से करते हैं, चलो सेकंड चैप्टर में कहाँ तक पहुँचे थे, कौन सा स्टीम नहीं स्टेम सेल कहते हैं स्टेम सेल, हाँ स्टेम सेल होते हैं वो कई टाइप होते हैं, स्टेम सेल जो आपके आर्मी बनाते हैं जो अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं, ठीक है, जो अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं वो स्टेम सेल, अभी ये बहुत आगे जाओ तो कल मिलेगा, कहाँ पा रहे हैं कहाँ तक पढ़े थे कल, तो सिक्स किंगडम सिस्टम हो गया, सिक्स किंगडम सिस्टम हो गया, सिक्स डोमेन भी बता था, सिक्स किंगडम किसने दिया था, कार्ल लोग सिस्टम ने दिया था 1990 का, सिक्स किंगडम में कार्ल लोग के मुरेरा को भी बांटा था, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, अब देखो हाँ ये जो मुरेरा को ध्यान समझिए, किंगडम को ले गए किंगडम को उठाइए उसके बारे में पढ़िए उसके चीज के बारे में जानिए, स्ट्री ब्रांच क्या है माइक्रो आर्गेनिज्म, यानी माइक्रो आर्गेनिज्म है
बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी बायो मतलब क्या हो गया लाइफ यानी ऑर्गेनिज्म, लॉजिकल स्टडी यानी जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हो, माइक्रोबायोलॉजी में आप बैक्टीरिया वायरस ठीक है, मोरेरा में आप देखिए मोरेरा में आपके बैक्टीरिया होते हैं ठीक है। अब और बैक्टीरिया किससे देखते हैं आंदा बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सा देखो स्पेलिटल के बेसिस पे और इसके बेसिस पे स्पेलिटल का तो प्रोटीन तो है ही और रॉड से विब्रियो और विब्रियो यानी कामा से यानी भाई ऐसे कामा की तरह ऐसे होता है ऐसे ठीक है। वाइट्री उसका क्या है सिंगल है कि सिंगुलर है, वाइब्रम क्या है वाइब्रम सिंगुलर है वाइब्रम कामा से और क्या हो गया स्पाइरल से ना सुनिए इसको बैक्टीरिया के शेप के आधार से शेप के आधार पे बांटा गया है ठीक है। यानी स्पेरिकल शेप कौन सा होता है कोकी ठीक है, कोकस जिसको कहते हैं क्या कहते हैं कोकस ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है, इम्यूनोकोकस बैक्टीरिया है कौन सा है कोकी शेप है यानी ऐसा है स्पेरिकल है ठीक है, ऐसे है आपको इतना नियम जाके पढ़ रहे हो कई बातें फोकस हो गया और इसका प्लूरल क्या होगा कोकी ठीक है। उसके बाद में रॉड से क्या हो गया बैसिलस ठीक है, रॉड से बैसिलस से ठीक है, बैसिलस का क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद में कामा से क्या हो जाएगी वाइब्रियम यानी वाइब्री हो जाएगी ठीक है। उसके बाद में इस परिसर से स्पाइरल क्या हो जाएगा स्पाइरल ठीक है यानी स्पाइरल ठीक है। अब इसके सेल के आधार पे खत्म हो गया, आप देखो बैक्टीरिया मोनेरा को दो महीने में रखा ठीक है, एक आर्की बैक्टीरिया और कौन है यू बैक्टीरिया और
इसलिए है फ्लूक्रीनियल की आयुर्वाद बता रही था। आयुर्वाद में टाइप से मैंने आपको पर डिफरेंशिएट करके बताया थे कि फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। और फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया में भी और प्लांट में भी दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉफ में बताओ जी, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफ का? सल्फर होता है। और प्लांट में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यहाँ देखो CO2 प्लस H2S लेता है ना सल्फर जब ऑटोट्रॉफिक होता है। और हम प्लांट का लेते हैं CO2 प्लस H2O लेते हैं ठीक है। तो इसका बाय प्रोडक्ट भी सल्फर निकलता है और इसका ऑक्सीजन होता है। और इसका फूड जो बनता है बेटा कैसे बनता है? C6H2O6 यानी ग्लूकोज बनता है। और इसका फूड कैसे बनता है? इसका C6H2O6 यानी ये भी क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। कौन? प्लांट। और फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आप देखिए कई टाइप के हैं ठीक है। जैसे कौन कौन से? हेलोफाइल और थर्मोस्टोफिल्स मेथेनोजेन ठीक है। यानी मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, हेलोफिलिक बैक्टीरिया और थर्मोस्टोफिलिक बैक्टीरिया। देखो ध्यान से समझो टाइप ऑफ प्लांट मोलेरा के आख्या के बारे में मान रहे हैं ना कि क्या है? टेम्परेचर जो चाहिए इसको बेटा ठीक है टेम्परेचर सर्वाइव करने के लिए 280 से अबव चाहिए, 80 से अबव चाहिए ठीक है। और साल्ट जो चाहिए हाई साल्ट चाहिए जैसे संभाल लेक का नाम सुना है? संभाल झील, संभाल संभाल लेक का नाम हाई सैलिनिटी है, यहाँ ज्यादा नमकीन है उसका पानी ठीक है। उसमें सरवाइव करता है नॉर्मली सी में और पॉन्ड में और नहीं रहता है, सी और पॉन्ड में नहीं सरवाइव करता है। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पाया जाएगा। कौन कौन सलैक्टी वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? हाई साल्ट वाटर में रहते हैं। इसमें रहते हैं हाई साल्ट वाटर में सरवाइव करते हैं ठीक है। इसके बाद में जैसे हेलोफिलिक इसका एग्जांपल हो जाएगा।
बैक के एरिया फिर देखिए हार्मोन मतलब क्या हो गया बेटा टेम्परेचर ठीक है हार्मोन मतलब टेम्परेचर और एसिड मतलब जानते ही हैं हम जिसका पीएच क्या हो पोटेंशियल हाइड्रोजन कम हो लेस देन 7 ठीक है और एक किस हाई टेम्परेचर पे बात नहीं थी समझ में कुछ नहीं पाओगे आप 20 क्वेश्चन अगर इसी सेम क्वेश्चन बन जाए तो नहीं कर पाओगे इसलिए प्रयास करिए समझने का एक बार नहीं 10 बार पूछिए जितना पूछेंगे आपका बेस क्लियर होगा कहीं से भी लूट के लाइए पूछिए जितना पूछना उतना पूछिए जब पूछेंगे तब आपका बेस क्लियर होगा देखिए टेम्परेचर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में मैंने कहा यानी ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 80 अभी 40-45 तो आप 50 तक पहुँच जाओ अक्सर साफ वाटर लैक ऑफ कैलिडॉस ऑफ वाटर आपके शरीर से पानी कमी होने लगेगा 50 के ऊपर पहुँचो ठीक है और ये इसमें सर्वाइव कर जाते हैं देखो एसिडो यानी इनका एसिड कितना होना चाहिए एसिड किससे कम होना चाहिए बेटा 2 से लेस देन 2 लेस देन 2 यानी 2 से कम होना चाहिए अब देखो मेथेनोजेंस मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कहाँ पाए जाते हैं जानवरों के डंग में काऊ के काऊ फैलों के डंग में यानी रूमिनेंट में ठीक है और इनसे क्या इनका यूज कहाँ होता है बायोगैस में रूमिनेंट काऊ मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं गोबर वगैरह का नाम सुना ना समझ में आ गया कोई दिक्कत आती बैक्टीरिया चलो आप मुझे बता दो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है सीआरटी की एक ही लाइन पढ़ ली थी आपको ठीक है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पढ़ लिए सर क्वेश्चन सर मोरेला में माइकोप्लाज्मा को क्यों रखते हैं लेकिन उसका जो सेल वॉल एब्सेंट होता है और वो एनीमिलिया में होना चाहिए बेसिकली लाइक सेल वॉल एब्सेंट है उसमें तो बता दें जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है इसको जोकर आप क्या कहें इसको क्या कहा जाता है जोकर कहा जाता है ठीक है जोकर आप एनिमल सेल कहा सॉरी जोकर आप सेल इनको कहा जाता है यानी जोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शेप में क्या होती है प्लियोमॉर्फिक शेप होती है ठीक है प्लियोमॉर्फिक शेप मतलब क्या होते हैं इनके मतलब इनमें सलवार की क्या होती है कमी होती है सलवार नहीं पाया जाता है जब सलवार नहीं पाया जाएगा तो ये किसी भी शेप को ले सकते हैं क्या कर सकते हैं किसी भी शेप को ले सकते हैं और बेटा ये स्मॉलेस्ट सेल है क्या है स्मॉलेस्ट सेल है लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच या ठीक है ऑस्ट्रिच या इसीलिए इसको माइक्रोप्लाज्मा में इसमें रखा गया माइक्रोप्लाज्मा यही एक एक्सेप्शन है इसमें नॉन सेलुलर होगा नॉन सेलुलर जैसे मोनेरा में सेलुलर लेवल होता है मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा सब में सेलवाल पाया जाता है सेलुलर लेवल पे भी सेलवाल नहीं है इसके पास सेल तो है ही ऑर्गेनिज्म ये भी है लेकिन इसके पास सेलवाल नहीं है यानी कोशिका भित्ति नहीं है तो जब कोशिका भित्ति नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म कहीं लुढ़का कहीं गया इसी से जैसे मान लो आप वाटर को लिए हो ठीक है आपने लिया है अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है बेटा तो उसको बॉटल में रखोगे तो बॉटल के शेप का आ जाएगा और
उसको आप अगर किसी कंटेनर में, जैसे आपने उसको थाली में रखा, थाली के शेप का आ गया, बाल्टी में रखा तो बाल्टी के शेप का आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसके पास टिफिनिट क्या नहीं है, शेप नहीं है, वैल्यू तो है। वैल्यू भाई अलग, एक ऐसा तो है नहीं कि एक लीटर आपने बॉटल में रखा कि उसको एक लीटर को लेता कि आपने बाल्टी में रखा तो उसका वैल्यू कम हो, एक लीटर से कम हो गया, नहीं हुआ ना। लेकिन उसका शेप टिफिनिट नहीं है, प्लियोमॉर्फिक शेप, शेप की वजह से ही मोनेरा में रखा जाता है इसको। इसको इसलिए मोनेरा में रखा गया क्योंकि बैक्टीरिया, ठीक है, इसको प्लियोमॉर्फिक इसलिए बोल दिया गया बेटा। प्लियोमॉर्फिक उसको कहते हैं कि जो अपना शेप बदल, कई कई शेप हो सके, जिसका जिसका एक आकार ना हो, कई आकार हो जाए, जिस जब चाहे वो जैसा शेप हो जाए, जब जैसा चाहे वैसा शेप हो जाए, इसलिए उसको जैसे अमीबा का जो हो गया, आप अमीबा पैरामीशियम अमीबा किसने रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया है, और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक में प्रो कह जाए, और ये क्या है आपका प्रो कह रहा है, ये क्या है प्रो कह रहा है, प्रो कह रहा है कि यू कह रहा है, यानी आज समझो सही बात है। लेकिन आप ये देखो तो वो ऑर्गेनिज्म रखा कहाँ गया ना, ऑर्गेनिज्म तो बढ़ गया ना उसको बॉडी आपसे बाटने के बाद तो जब अर्नेस्ट हैकल साहब आ गए इन्हें किसमें, इन 1866 में, उन्होंने सेल के बेसिस पे, यानी उनके सेल वा, यानी उनका सेल किस टाइप है, टाइप ऑफ सेल के बेस पे पढ़ दिया, टाइप ऑफ सेल, देखिएगा सेल टाइप लिखा गया है, सेल टाइप यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल टाइप नहीं होता, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के सेल टाइप होते हैं। तो सेल टाइप से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तीन में बांट दिया था, तीन क्या बांटा था, इसीलिए उन्होंने मोनेरा को तीन में नहीं लिया था, किसको लिया था, प्रोटिस्टा को लिया था, क्या कर लिया था तीन में, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनीमिया लिया था। तब जाके कोपलैंड साहब ने क्या देखा, चार किंगडम देखा, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनीमिया प्लांट। उसके बाद आर एस देखा साहब ने 1969 में क्या किया था, उन्होंने उनका पूरा जो शुरू से किसका किसका लीनियस साहब से लेकर के केवल उन्होंने लीनियस साहब ने केवल सलवार का करेक्टर देखा था, जिसके पास सलवार रहा बाबू तो का प्लांटिंग रखती, जिसके पास सलवार नहीं था उसके बाद उन्होंने रखा था उसमें बैक्टीरिया, उसके बाद में क्या लिया, बहुत सब लिया था जी, एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा, फर्न भी लिया था, फर्न भी रखा था, लीवर वर्ड भी था,
ठीक है, और मसल्स यानी वाइटा के जो टाइप होते हैं लीवर वाइटा मसल्स सब इसी में रख दिया था उन्होंने। ध्यान से देखिए, अभी आपको वेरिएशन समझ में आ जाएगा, सुनिए ध्यान से। जब उन्होंने सलवार के बेसिस पे यानी जिसने जिसने सलवार क्या था बेटा प्रेजेंट था, ठीक है सलवार प्रेजेंट था, सबको रख दिया किसने प्लांटे में, किंगडम प्लांटे में रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ तो क्या है प्रोकैरियोटिक हैं, किसने देखा जे जिसने ने लिया, ठीक है कि कुछ तो प्रोकैरियोटिक हैं टाइप सेल में, और कुछ तो बेटा यूकैरियोटिक हैं, क्या है यूकैरियोटिक हैं। फिर सेलुलर लेवल से देखा, ध्यान से समझिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसका यूनिसेलुलर है बेटा तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा तो दिक्कत, अब किसी किसी के पास सेल के पास सेल वाला एब्सेंट था, जैसे जोकर आप प्लांट जोकर आप मतलब गंडेरिया का, ठीक है यानी माइकोप्लाज्मा को दिया। फिर देखिए अब इन्होंने जब देखा कि इस पे, ध्यान से समझिए, जब इस पे देखा तो ट्री से तुरंत तीन किंगडम ला दिया उसने हैकल साहब, और उन्होंने क्या किया जैसे तीन किंगडम आया सबसे पहले उन्होंने क्या किया प्रोकैरियोटिक, ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर और यूकैरियोट यूनिसेलुलर हो गया, ले आके कहाँ रख दिया प्रोटिस्टा में रख दिया, कहाँ था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में रख दिया। और जैसे इन्होंने ले आके दोनों को प्रोटिस्टा में रख दिया, फिर यहाँ एक वेरिएशन आया, क्या आया, फिर दिक्कत आ गई कि किसी का इनका मोड ऑफ न्यूट्रेशन अलग था और इनका अलग, ठीक है। तब ले जा करके जितनी भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऑलमोस्टली प्रोकैरियोटिक यूनिट होता है उनको ले जाके रख दिया मोनेरा में, तब चार किंगडम में मोनेरा आया जिसको पोर्टलैंड साहब ने दिया था। कब दिया था फोर्थ किंगडम पोर्टलैंड साहब ने, 1958 में दिया था बेटा, 1938 में दिया था, ठीक है। फिर देखिए जब पोर्टलैंड साहब ने दे दिया उसके बाद फिर एक बात फंस गई कि सबका मोड ऑफ न्यूट्रेशन तो चलो ठीक है बात नहीं, देखो मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद ध्यान सुनिए, मोड ऑफ न्यूट्रेशन ऑटोट्रॉफ या हिटोट्रॉफ, ठीक है इसमें ऑटो या हिटो, प्लांट में क्या होता है ऑटो, सुनिए प्लांट में क्या होता है प्लांट हिटोट्रॉफ में ऑटो, और उसमें एलिमेंट में हिटरो। फिर देखो पसा क्या, फिर पिटेकर साहब ने भी देखा 1969, और सोचो कि भाई जो प्लांटी था अभी भी जो अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने टिशू वाला पूछा था इनके जो टिशू लेवल पे भी होता है या तो टिशू लूज होता है या तो टिशू हो ही या तो लूज हो, ठीक है या तो होगा ही नहीं लूज हो गया तो इन्होंने देखा कि प्लांटी में क्या रखा गया है अभी तो फंजाई है भाई, और फंजाई का मोड़ा न्यूट्रेशन कैसा होता है हेटरोट्रॉफिक का टाइप होता है यानी सेप्रोफाइटिक, ठीक है यानी सेप्रोफाइटिक होता है ना सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक होता है यानी ये कहाँ से अपना भोजन लेते हैं टेक्टिक के ऑर्गेनिज्म से बॉडी से। तो उन्होंने इस देश से भैया फंजाई को भी अलग कर दिया, फंजाई को भी अलग कर दिया, जब फंजाई को भी अलग कर दिया गया तब आया थे कार्लहूज साहब ने, कार्लहूज साहब देखे कि जो मोनेरा है उसमें जो मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम लविंग है, उसकी ऐसी हरकतें हैं जो सबसे अजीब है
सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का काम स्थान नजीब है, जैसे कभी कभी देखते हैं कोई फैमिली एडवांस कर दिया जाती है, या जैसे कुछ लोग ऐसे हैं यदि यहाँ से कोई चला जाए और अदर कंट्री में चला जाए जहाँ की जो हम लोग जो अदर कंट्री लैंग्वेज दूसरी है वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो हम लोगों को वहाँ के लिए दिक्कत होगा, ठीक है, इसे देखिए बाद में सही हो जाता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था बेटा मोरेला में। फिर इन्होंने देखा किसने, कार्ल रूस साहब ने आर्ची बैक्टीरिया को देखा मोरेला, ठीक है, यूकेरिया और आर्चिया में कहाँ बांट दिया, क्योंकि उनका हिस्ट्री उनकी अलग ही कंडीशन रहती थी और इनका अलग ही सब कुछ था, तो इसीलिए उन्होंने भी इसको दो में बांट दिया, ठीक है। और उन्होंने बांटने के बाद क्या दिया, ध्यान से सुनिए, उन्होंने भी दिया रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या दिया, रिवॉल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या यानी कि क्या होके आए हैं, रिवॉल्यूट होके आए हैं, वहां से बदल के आए हैं। अभी बैक्टीरिया देखो सर, चलिए बात कर लीजिए सर, माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सर लेकिन वो तो वायरस होता है लाइक, मतलब वो कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, तो क्या न्यूट्रोट्रॉफिक क्या जो दूसरे पे बेटा डिपेंड होने अपने बहुत सारा न्यूट्रोट्रॉफिक में क्या होगा, जैसे हाइड्रोट्रॉफिक में वो हो जाएगा जो विड्रो में भी टाइप है, ऑटो में भी टाइप है, जैसे हमने आपको बताया था, देखिए बैक्टीरिया बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफ और प्लांट का ऑटोट्रॉफ बहुत डिफरेंस है बेटा, उससे समझ लो प्रिंसिपल साहब ने आपने पूछा, जो देखो जैसे ऑटो है बैक्टीरिया का, ठीक है, और बैक्टीरिया में दो टाइप का होता है, यहाँ बताया हिड्रो और ऑटो, अब इनका जो ऑटो है वो टाइप का है, एक फोटो है और दूसरा क्या है, कीमो है, कीमो में यानी ऐसे आदमी ना जो अपना फूड किससे बनाए, केमिकल किससे बनाए, कीमो माने केमिकल, इनऑर्गेनिक को ले, हाँ ऐसा क्या हो, अरे भाई आपको ये बताया नहीं था, अमोनिया से नाइट्राइड नाइट्राइड चेंज इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट बताया था ना, नाइट्रो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रो नाइट्रोकोकस, यानी अमोनिया से जब बनेगा क्या नाइट्राइड, तो जब नाइट्राइड में नाइट्रोवेक्टर और नाइट्रोसिस्ट पे काम करेंगे, जैसे यहाँ जब बनता है इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में CO2 रहेगा, ठीक है, CO2 रहेगा यानी इनऑर्गेनिक कहेंगे इसको, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे तो बनेगा इसका न्यूट्रेशन जब बनाएगा, और प्लस S2 रहेंगे यानी सल्फर कंटेनिंग है, इसमें क्या हो जाएगा लाइट रहेगा, ठीक है, और लाइट है, अब यहाँ बनाएगा क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएगा, सल्फर क्या होगा, सल्फर बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अपना खुद ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा, फिर हो गया, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं था, और फ्यूल में क्या होगा, इससे बेटा केमिकल की मदद से बनाते हैं, और केमिकल कैसा होना चाहिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, केमिकल, तो जैसे इसमें फिर देखो अब इसमें हिट्रो आ गए हैं, यदि हिट्रो में टाइप होते हैं सर, हिट्रो में कौन सा टाइप होगा, हिट्रो में तीन टाइप होगा, नहीं सर होगा माइकोप्लाज्मा कौन सा, इसमें इसमें भी फोटो हेटरोट्रॉफ और कीमो हेटरोट्रॉफ, इसमें तो माइकोप्लाज्मा आपका कीमो हेटरोट्रॉफ में यानी केमिकल के द्वारा बनाएगा, जैसे हम लोग अब देखिए जो ऑटोट्रॉफ आया है बेटा प्लांट का ऑटोट्रॉफ, कैसे समझिएगा, प्लांट में जो ऑटोट्रॉफ आया है वो कीमो जो मोड ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कीमो हेटरोट्रॉफ था, अर्थ पे जो सबसे पहला प्लांट मतलब आया था किससे, अर्थ पे मतलब यही जैसे जो प्लांट हैं प्लांट के पहले विट्रोट्रॉफिक कीमो विट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जब ओरिजिन आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओरिजिन कभी जाइएगा रिसर्च करिएगा तो कीमो विट्रोट्रॉफ को करेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे फर्स्ट कीमो विट्रोट्रॉफ था, ठीक है, अब
यू बैक्टीरिया का थोड़ा सा स्नान से यू मतलब होता है टू बैक्टीरिया, आप जानते ही हैं यू बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा। खैर इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जैसे एनाग्राम आस्का, ठीक है, प्लांट्स के लिए में प्रेजेंट होती है।